फ्रेंड्स, मैं राधिका, R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और मैं आज आपको इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। तो यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। तो आइए आलू की टिक्की बनाना हम शुरू करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने लिए है 4 आलू मीडियम साइज के। मैंने इसे कुकर में डाल के 2 सीटी आने तक बॉईल कर लिए हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने इसे छील लिया है। फिर हमने लिया है ब्रेड क्रम्स 5 टेबल स्पून। ब्रेड क्रम्स ब्रेड को सुखा कर उसे मिक्सी में पीस कर बनाया जाता है। ब्रेड क्रम्स डालने से टिक्की बहुत क्रिस्पी होती है। यदि आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। यदि चावल का आटा ना हो तो आप इसमें रवा डाल सकते हैं। यदि रवा भी ना हो तो आप इसमें मक्के का आटा भी डाल सकते हैं। फिर हमने लिया है 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की सहायता से इसे मैश भी कर सकते हैं। मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक और ब्रेड क्रम्स। अब हमें इन्हें अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम अपने हाथों में तेल लगाएंगे और टिकिया बनाएंगे। थोड़ा सा पोषण लेके इस तरह से पहले गोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से टिकिया बना लेंगे। देखिए इसी तरह से सारी टिकिया बना लेंगे हम। मैंने सारी टिकिया बना के रख ली है। अब हम टिक्की को सेलो फ्राई करेंगे। मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर इसे गर्म कर लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे टिकिया रख देंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। हमें इसे लो फ्लेम पे ही सेलो फ्राई करना है। आइए हम देख लेते हैं हमारी टिकिया फ्राई हुई है या नहीं। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। हम इसे पलट देंगे। सभी टिकिया एक तरफ से सिक गई है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। टिकिया को आप थोड़ी सावधानी से पलटिए, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। आइए अब हम चेक कर लेते हैं हमारी टिक्की दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर हुई है नहीं। देखिए इधर से भी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। हम इसी तरह से सारी टिक्की को पलट लेंगे। देखिए ये दोनों साइड से अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर हो गई है। इसमें हमारी टिक्की हो गई है। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। जो बची हुई टिक्की है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी आलू की टिक्की बनके तैयार हुई है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए, टमाटो सॉस के साथ खाइए या इसका आलू चाट बना के खाइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स जो वॉचिंग माई वीडियो।